कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई के मामले पर मंगलवार को कहा है कि ऐसी क्रूरता समाज और धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। उन्होंने इस घटना से संबंधित एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है और समाज व धर्म दोनों के लिए शर्मनाक है। गौरतलब है कि गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई करने और जबरन उनकी दाढ़ी काटने के आरोप में पुलिस ने और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित व्यक्ति का दावा है कि उनकी पिटाई करने वालों ने उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहा था। पुलिस ने इस मामले में सांप्रदायिक पहलू होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि सूफी अब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिंदू मुसलमान मिलाकर कुल 6 लोग शामिल थे और सभी उनके द्वारा बेचे गए ताबीज को लेकर नाखुश थे। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है कि सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। वहीं पुलिस ने इस मामले में सांप्रदायिक पहलू होने से इनकार किया है। उनका कहना है कि सूफी अब्दुल समद की पिटाई करने वालों में हिंदू मुसलमान मिलाकर कुछ 6 लोग शामिल थे, सभी उनके द्वारा बेचे गए तावीज को लेकर नाखुश थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने कहा है कि गिरफ्तार युवक की पहचान कल्लू और आदिल के रूप में हुई है। इनके अलावा पॉली, आरिफ मुशाहिद और परवेज गुजर को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने इससे पहले गुजर को गिरफ्तार किया था। सूफी के पिटाई की घटना उसके आवास पर हुई थी। 5 जून को हुई घटना के 2 दिन बाद भारतीय दंड संहिता की धारा में मामला दर्ज किया गया था। वहीं सूफी ने अपनी शिकायत में यह नहीं कहा था कि उनकी दाढ़ी काटी गई है और उनसे जबरन जय श्री राम बुलवाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक देहात इराज राजा ने बताया है कि पुलिस न्याय आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि तंत्र मंत्र साधना करने वाले सूफी के गुज्जर को उसके परिवार के कुछ सदस्यों को बुरी नजर से बचाने के लिए कुछ तावीज दिए थे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने के कारण दोनों के बीच कहासुनी हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए कथित वीडियो में गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 4 लोग सूफी की पिटाई करते, उनकी दाढ़ी काटते और उनसे जय श्री राम का नारा लगाने को कहते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।